अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा फैज़ एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर का लेक्चर और सेकेंड ईयर के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 17 द एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कंटिन्यू है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आइंस्टाइन से रिलेटेड है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। और वो टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो देखो, जब किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट किसी मेटल सरफेस से टकराती है, यानी कि किसी मेटल सरफेस से पड़ती है, तो नतीजे में उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटोन से आया फोटो और इलेक्ट्रॉन से आया इलेक्ट्रिक। यानी कि अगर किसी भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली, हर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, हर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब भी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पड़ती है एक मेटल सरफेस के ऊपर, तो उस मेटल सरफेस से इमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और नतीजे हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले हम इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की तरफ देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के अंदर सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं जिनको हमने बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है, थ्रू अ गैल्वानोमीटर, ठीक है। गैल्वानोमीटर भी हो सकता है, एमीटर भी हो सकता है। व्हेन लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ नेगेटिव प्लेट, जब भी जैसे ही हम देखते हैं कि भाई एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पड़ती है नेगेटिव प्लेट के ऊपर, तो जो एमीटर है वो इंडिकेट करता है करंट को। गैल्वानोमीटर भी लगा सकते हैं, एमीटर भी लगा सकते हैं, तो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। दिस करंट इज़ बेस्ड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये जो करंट है वो बेस करता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे, विच आर एमिटेड फ्रॉम कैथोड प्लेट, जो कैथोड प्लेट से एमिट होते हैं, एंड एब्जॉर्ब बाय एनोड प्लेट, ठीक है। जो एनोड प्लेट है वो इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। लाइट आई एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और इस तरीके से यहाँ पर करंट फ्लो हुआ और एम मीटर ने डिफ्लेक्शन शो करी। अगेन देख लो, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली पड़ी, इलेक्ट्रॉन गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और फिर इसी तरीके से पूरा सर्किट फ्लो, सर्किट के अंदर करंट ने फ्लो करा, जो कि एम मीटर में डिफ्लेक्शन के तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि कुछ मिली एम्पियर्स करंट पास हो रहा है। तो देखो, इन शॉर्ट ये सिंपल सा इफेक्ट है कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जब पड़ी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू हो गए। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी को चेंज करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, वोल्टेज को चेंज करके ऑब्जर्व करते हैं कि भाई होता क्या है। जो तीन रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, हम उन रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं ताकि फिर मैं फीचर्स आप लोगों को समझा सकूं कि क्या क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फीचर्स हैं, ठीक है। तो पहला रिजल्ट देखते हैं। पहला रिजल्ट यह है कि ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर हमने रेडिएशन की इंटेंसिटी को चेंज करा, और आमतौर पर इंटेंसिटी को चेंज करने का एक सिंपल सा तरीकेकार होता है, सोर्स को करीब लेकर आना, ठीक है ना। जब सोर्स को करीब लेकर आएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एंड कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, और इस मरतबा फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा। सेचुरेशन करंट चेंज बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, अब मेरी बात समझनी है कि सेचुरेशन करंट क्या है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। देखो, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे करंट बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बट ऐसा है कि एक ख़ास इंटेंसिटी पर करंट कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि उसके बाद अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते भी रहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमाउंट ऑफ करंट पे, उस करंट को कहते हैं सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट से मुराद ये है कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ाते हैं तो ठीक है, करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ाया, करंट बढ़ा, लेकिन एक ऐसे ख़ास अमाउंट ऑफ करंट होता है कि इंटेंसिटी फिर आप जितनी बढ़ाते रहें करंट उससे इंक्रीज नहीं होता, और वो कहलाता है सेचुरेशन करंट, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है वो भी बात समझ लो। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है कि अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करें, यानी कि हम जो बैटरी की पोजीशन है उसको चेंज कर दें और सिर्फ चेक करते हैं कि भाई अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो कितना वोल्टेज अप्लाई करने पे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होते, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है, तो वो वोल्टेज जहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद, वो पोटेंशियल कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सबसे पहले ये दोनों मतलब जहन में होने चाहिए, फिर आप इस ग्राफ को समझ पाओगे। तो भाई लिखा हुआ है कि जब हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हुए, तो सेचुरेशन करंट तो चेंज होता है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। यानी कि अब देखो, मैंने तीन मरतबा एक्सपेरिमेंट करा, एक मरतबा कम इंटेंसिटी के साथ, फिर थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, फिर और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, तो देखो अमाउंट ऑफ करंट तो डिफरेंट है,
ठीक है ना, सेचुरेशन करंट तो डिफरेंट है कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाता रहा, करंट बढ़ता रहा और एक खास करंट पर आकर वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि सेचुरेशन करंट यहाँ पर इतना है, यहाँ पे सेचुरेशन करंट इतना है और यहाँ पे सेचुरेशन करंट उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करूँ, तो नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करके हम ये देख रहे हैं कि जो नेगेटिव पोटेंशियल, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर करंट जीरो हो रहा है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हो रहे, तो वो तो कॉन्स्टेंट ही आ रहा है, ठीक है ना। तो तीन डिफरेंट इंटेंसिटीज़ पर हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहा बट सेचुरेशन करंट चेंज होता रहा, ठीक है ना। अब आ जाओ देखो दूसरा रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट ये है कि ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, इस मतलब हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करा बाय कीपिंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल चेंज बट सेचुरेशन करंट विल रिमेन कांस्टेंट। सेचुरेशन करंट जो है वो सेम रहेगा और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज हुआ। अब इस मतलब हमने क्या करा, हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल करा, एक फ्रीक्वेंसी न्यू वन, एक फ्रीक्वेंसी न्यू टू और एक फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते रहे तो इस फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन बढ़ती रही, जो उसका अमाउंट ऑफ करंट है बढ़ता रहा, लेकिन एक खास पॉइंट पर आकर वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और जब मैंने हायर फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करी तब भी हमने देखा कि वो उसी पॉइंट पर जाकर कांस्टेंट हुआ, यानी कि करंट उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। मैक्सिमम करंट जब कांस्टेंट हो जाता है करंट, तो वो सेम रहा और ऐसे ही हुआ न्यू थ्री पर, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी हमने अप्लाई करी है प्रोसेस के अंदर। बट अगर इन्हीं रेज को हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पर यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने फ्रीक्वेंसी कम रखी थी तो बहुत ही कम नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़ीरो हो गया। यहाँ पर ज़्यादा हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा दिया तब जाके फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन रुका, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ख़त्म हुआ। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने देखा कि जब फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज़्यादा आ गया, ठीक है ना। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट एज इंटेंसिटी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, सॉरी इज नॉट चेंजिंग, सेचुरेशन करंट इज सेम एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो सेचुरेशन करंट तो खैर सेम रहता ही है क्योंकि हमने इंटेंसिटी को चेंज नहीं करा, और इससे पहले वाले रिजल्ट में हम देख चुके हैं कि जब हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो सेचुरेशन करंट चेंज होता है। ये हमने दूसरा रिजल्ट हमारे उस एक्सपेरिमेंट में देखा। और तीसरा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ये तो पिछला वाला ग्राफ है, तकरीबन समझ लो कि मैंने तीन डिफरेंट मेटल्स अप्लाई करे, एक मेटल M1 पर हमने करा तो उसने बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू कर दिया, दूसरे मेटल ने और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर करा, तीसरे ने और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे कम स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यानी कि एक खास मेटल के लिए खास फ्रीक्वेंसी है जिस पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो होता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे, जो कि पिछले वाले ग्राफ से भी क्लियर हो रही थी बात और इस वाले ग्राफ से भी क्लियर हो रही है। तो ये जो हमारी तीन ऑब्जर्वेशन थी, जो रिजल्ट्स थे, उससे हम किन फीचर्स की तरफ चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तीन फीचर्स हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहला, एक स्ट्रॉन्ग लाइट बीम जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा यील्ड्स मोर फोटो देन अ वीक वन, ठीक है ना। जो फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट करती है एक वीक वन के लिहाज से, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, ठीक है ना। ये फोटो, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, एक स्ट्रॉन्ग बीम लाइट यानी कि जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो वो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती है कम इंटेंसिटी वाली लाइट के लिहाज से, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है इंटेंसिटी बढ़ाने से। बट वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी रहती है सेम, ठीक है। यह है पहला फीचर, यानी कि जब हमने इंटेंसिटी चेंज करी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो बढ़ी बट उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ा, चाहे हम सोर्स को कितना ही करीब क्यों ना ले आए। सेकेंड फीचर, एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी ना हो, जो कि तीसरे ग्राफ में था, अगर फ्रीक्वेंसी उसे कम रखते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है, और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट मेटल्स, जो कि पिछले वाले ग्राफ में भी हमें क्लियरली नज़र आ रहा था। तो ये दूसरा फीचर हमें तीसरे वाले ग्राफ से मिला। और इसके बाद तीसरा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एम्प्लॉयड। जो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अप्लाई करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंड करती है, यानी कि एट फ्रीक्वेंसीज बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते ही नहीं है, बट अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। कहने का मकसद ये है कि जब हम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाती है, ठीक है, बट उनकी तादाद पे कोई असर नहीं पड़ता। और जबकि जब हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे थे तो उनकी तादाद तो बढ़ रही थी
बट उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यानी कि इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ाती है, एनर्जी सेम रहती है, बट फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ाती है, बट उनकी जो काउंटिंग है उसको चेंज नहीं करती। ये हमारे पास तीन फीचर आए, और फिर इन तीन फीचर्स को समझाने के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। क्या थे वो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से जो उसने समझाई कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जब हम चेंज करते हैं इंटेंसिटी को तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो बढ़ती है बट उनकी काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं बढ़ती, और फिर दूसरी बात यह कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ जाती है। तो ठीक है, इसको समझ लो। आइंस्टाइन ने अज्यूम करा कि बीम ऑफ लाइट कंजर्व्स ऑफ क्वांटा कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है ना, वो फोटॉन्स पे कंसिस्ट करती है, और जब लाइट फॉल करती है मेटल सरफेस पर आके पड़ती है तो फोटॉन्स इंटरेक्ट करते हैं विद इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल, उस मेटल्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ कोलिजन, लाइक कोलिजन की तरह से होता है, इन विच एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है। जो फोटोन होता है वो सारी की सारी एनर्जी, या तो सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है या नन ऑफ इट्स एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, यानी कि फोटोन अपनी आधी अधूरी एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। फोटोन अगर अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है तो या तो सारी को करता है या तो बिल्कुल भी नहीं करता टू द इलेक्ट्रॉन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एंड टू इजेक्ट इट फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, कम से कम एनर्जी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है, कि वो मतलब उस मेटल सरफेस से निकल जाए, उसकी जो अट्रैक्शन है उसको ख़त्म कर दे, ठीक है। इस तरीके से इस बात को समझ लो कि फॉर एग्जांपल मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन सपोज कर लिए, फॉर एग्जांपल चार या पाँच इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ मेटल सरफेस के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको इंटेंसिटी वाली बात समझा रहा हूँ, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ पैकेट्स जो एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल दो पैकेट्स आएंगे एक साथ तो क्या होगा, ये दो पैकेट एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एब्जॉर्ब कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। अब अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो मे बी ये वर्क फंक्शन से कम हो, ठीक है ना, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन के लिए बाहर निकलने के लिए काफ़ी ना हो, तो बस ये इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और ये इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब सारी बात ये है कि एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, एक से ज़्यादा को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बराबर भी है तो ये दो पैकेट्स एब्जॉर्ब करके दो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, बट उनकी काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा नहीं होगी ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर पैकेट दो के बजाय जो है फॉर एग्जांपल पांच आने लगे, ठीक है ना, पांच पैकेट्स एक साथ आ रहे हैं, यानी कि हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो इसका मतलब पाँच के पाँच इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ एक पैकेट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो तादाद तो बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की, बट उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज सब ने एब्जॉर्ब तो एक ही पैकेट को किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी वाली बात समझ लो। अब फ्रीक्वेंसी वाली बात यह है कि फॉर एग्जांपल दोबारा से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल सरफेस में, लेट से पाँच ही इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई। अच्छा, पहले क्या हो रहा था, पहले फ्रीक्वेंसी थी मिसाल के तौर पे हर दो सेकंड बाद एक पैकेट आ रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा था, हर दो सेकंड बाद जब एक पैकेट आ रहा था तो ये वाला पैकेट फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके ये अगर बाहर निकलेगा भी तो फॉर एग्जांपल इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर यही पैकेट जल्दी जल्दी आने लगे, यानी कि हर सेकंड में आए, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पहले ये वाले पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा, इतनी देर में इसको एब्जॉर्ब करेगा ही, फिर ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अब एक से ज़्यादा फोटोन को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, क्योंकि वो एक साथ नहीं आ रहे, मतलब इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही, बल्कि अब वो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तीन चार फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा अगर जल्दी जल्दी आएंगे, और अगर ऐसा होगा तो ये बाहर निकलेगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, वर्क फंक्शन भी कर पाएगा, वर्क फंक्शन का मतलब मेटल सरफेस से बाहर भी निकल पाएगा वर्क करके, और फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी अपेयर होगी। तो याद रखो, इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, और जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे तो असर नहीं पड़ रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ रही है। यही वो एक्सप्लेनेशन है जिसके ऊपर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, और फिर आइंस्टाइन ने इसी को एक्सप्लेन करा विद द हेल्प ऑफ हिज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। वो ये कुछ है, मैथमेटिकली हमने ये सपोज करा कि जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी आएगा, फोटोन आएगा, ठीक है ना, वो होगा वर्क रिक्वायर्ड टू ड्रैग आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, ठीक है ना, कितना वर्क किया गया उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना, यह है वर्क रिक्वायर्ड टू ड्रैग आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फिर हमने क्या किया, फिर क्वांटम ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एच नहीं होता है, वर्क फंक्शन के बारे में मैंने बताया, वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट,
ठीक है, और बाकी काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन को के डॉट ई से शो कर दिया। जबकि बता देते हैं फाई नॉट क्या है, इसे वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कहते हैं, इसका यूनिट जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल यूज्ड, जो मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सरफेस पे डिपेंड करता है कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना आसान होता है तो उनका वर्क फंक्शन कम होता है, और कुछ से निकलना मुश्किल होता है तो उनका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, तो ये डिपेंड करता है उस मेटल की सरफेस पर। अच्छा जी, और ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है एच न्यू नॉट के, यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बाहर निकलने के लिए, यानी कि कम से कम फ्रीक्वेंसी, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताई थी कि जिसकी ज़रूरत होती है, कम से कम इस फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत तो होती ही होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, और फिर प्लस काइनेटिक एनर्जी आ गया, और अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये इधर जाके माइनस का एच न्यू नॉट आ जाएगा और एच कॉमन आएगा, तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन भी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, या फिर अगर मैं इसको लैम्डा की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखो फॉर्मूला आपको पता है ना, फॉर्मूला होता है न्यू का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो न्यू बराबर होता है सी ओवर लैम्डा के, न्यू बराबर होता है सी ओवर लैम्डा, तो अगर न्यू की जगह पे हम पुट कर दें सी ओवर लैम्डा तो यहाँ पे सी ओवर लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो ये भी इक्वेशन बन सकती है, सी को फिर बाद में कॉमन ले लेंगे, एच सी वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा नॉट, जबकि न्यू नॉट क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, और ये जो वेवलेंथ है यानी कि उसी की, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है उसी को लैम्डा नॉट से शो करते हैं या फिर लैम्डा सी से शो करते हैं, और ये कहलाती है कट ऑफ वेवलेंथ। और ये जो दोनों इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों इक्वेशंस कहलाती हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। सो दैट्स इट, आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या अहमियत है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और क्यों इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। और कोई कन्फ्यूजन अगर हैं तो लिखिए कॉमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। तैयारी करते रहो, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।